अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपके काफी पैसे बचने वाले हैं। सेबी के नए रूल्स आए जिसकी वजह से आपके इन्वेस्टमेंट में तीन इंपॉर्टेंट चेंजेस होने चाहिए। फर्स्ट, आपके जो म्यूचुअल फंड फोलियो में ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर है वो ही रजिस्टर्ड होना चाहिए आपके BSE और NSE पे, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं। अगर दोनों जगह सेम रजिस्टर्ड नहीं हो रखे तो ट्रांजेक्शन रिजेक्ट हो जाएंगे। सेकेंड, कई बार हम हमारे हस्बैंड के या फिर अपने वाइफ के या फिर अपने पेरेंट्स के डिटेल्स भरते वक्त नंबर और ईमेल एड्रेस खुद का ही डालते जाते, ये गलत है। अब आपको उनके साथ अपना रिलेशन को स्पेसिफाई करना जरूरी है। अगर स्पेसिफाई नहीं करा तो ट्रांजेक्शन में दिक्कत आ जाएगी। और थर्ड होता है इम्पैक्ट का पॉइंट। सपोज करते हैं आपकी 5 SIP चल रही है, इन सभी कंफ्यूजन की वजह से वो SIP रिजेक्ट हो जाती है। 10 तारीख को रिजेक्ट होती है तो बैंक आजकल चार्ज लगाता है 200 रुपए से लेके 500 रुपए के आसपास का पर SIP का। 5 SIP 500 रुपए पर SIP का चार्ज, 2500 रुपए पर मंथ आपके ऊपर अननेसेसरी चार्ज लगता रहेगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए।